कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र अंतर्गत बहादुरपुर पुलिस चौकी को एक और कामयाबी मिली है। कंबल लदे ट्रक में हरियाणा निर्मित अवैध शराब की भारी खेप बरामद की। बताते चलें कि सीओ सर्किल तमकुही राज के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहादुरपुर पुलिस चौकी प्रभारी प्रेम नारायण सिंह को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि हरियाणा निर्मित अवैध शराब ब्रांड इंपीरियल ब्लू की भारी खेप NH-28 के रास्ते शराब माफियों द्वारा बिहार भेजी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर चौकी प्रभारी अपने हमराही सिपाहियों के साथ लेकर NH-28 टंडवा के समीप नाकाबंदी कर गुजरने वाले वाहनों की सघन तलाशी लेने लगे। लगभग 12 बजे रात्रि को गोरखपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक का चालक पुलिस की नाकाबंदी को दरकिनार कर ट्रक लेकर भागने लगा। चौकी प्रभारी द्वारा उक्त संदिग्ध ट्रक को अपने हमराही सिपाहियों के साथ पीछा कर सलेमगढ़ बाजार से 200 मीटर आगे दौड़ाकर पकड़ने में सफलता प्राप्त की। जब उक्त ट्रक की तलाशी ली गई, कंबल की गठरी के बीच लगभग 250 पेटी हरियाणा निर्मित अवैध शराब ब्रांड इंपीरियल ब्लू पाई गई। इस संबंध में जब चौकी प्रभारी बहादुरपुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद उक्त अवैध हरियाणा निर्मित शराब को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है, लेकिन रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे।